हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अड्डा फॉर आईक्यू। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। देखिए इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द टेबल गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। 30 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ था, उसका मार्क्स दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट वन इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट चूजन। एक से लेकर 10 तक मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 11 से लेकर 20 तक मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 21 से लेकर 30 तक मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 31 से लेकर 40 तक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 4 स्टूडेंट हैं, 41 से 50 तक लाने वाले स्टूडेंट 3 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसके सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट चूजन आर 30 और लेस, जिसका 30 या 30 से कम हो, वे कितने स्टूडेंट है और उनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 और लेस, ठीक है, तो 17 प्लस 6, 30 तक लाने वाले 6 थे और जो 30 से लेस लाने वाले हैं वे हो गए 17। टोटल कितना हो गए, टोटल हो गए 23, ठीक है 23। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया, अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 30 और लेस का, तो क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या फेवरेबल आउटकम्स है 23 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल स्टूडेंट कितने थे, लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितना था, तो टोटल स्टूडेंट आपका था 30। 23 ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 30 या 30 से कम है, मतलब कि लेस है, 23 स्टूडेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा 23 है और टोटल आउटकम्स कितना है 30, यही मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी। ये फर्स्ट का हुआ, आप देखिए सेकंड का, आर 30 और मोर, जो 30 हो या 30 से ज्यादा हो, तो 30 ज्यादा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तो 4 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट, मतलब कि टोटल आ गए 7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 30, तो ये हो गया सेकेंड का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 3, लाई इन द इंटरवल 21 टू 30, देखिए हाँ इसमें लाई कर रहे हैं 6 स्टूडेंट, 6 हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6 को ऊपर लिखते थे और टोटल स्टूडेंट 30 था, अब कैंसिल देखिए हो रहा है, मतलब कि 1/5 मेरा इसका प्रोबेबिलिटी। देखिए तीनों का प्रोबेबिलिटी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शो दैट द एजेस ऑफ 75 टीचर्स इन अ स्कूल। इस टेबल में जो गिवन टेबल है, मतलब जो दिया गया है टेबल, ठीक है, उसमें दिया गया है एजेज 75 टीचर्स का, एक स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनका एज, मतलब कि उनका उम्र दिया गया है। देखिए क्या क्या, 18 से लेके 29 ईयर्स के बीच, 18 साल से 29 साल के बीच आपका 3 टीचर है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मेरे जैसा 3 टीचर है। 30 to 39 ईयर्स के 27 टीचर्स है, 40 to 49 ईयर्स के वहाँ पे 37 टीचर्स है, एंड 50 to 59 ईयर्स के वहाँ पे 8 टीचर्स है। अ टीचर्स फ्रॉम दिस स्कूल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टीचर इज। यहाँ पे आपको कुछ टीचर का एज दिया हुआ है, ठीक है, 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टीचर इन दिस स्कूल, कितना है टोटल नंबर ऑफ टीचर, तो 75, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरा कितना हो गया 75 हो गया, एन हो गया। आप देखिए क्या दिया, 40 और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, जो टीचर का एज आपका 40 या 40 से ज्यादा हो उसको इसमें इंक्लूड करेंगे, 40 या 40 से ज्यादा, तो देखिए दोनों है ना, तो 37 प्लस 8, तो लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में 40 और मोर देन 40 इयर्स ओल्ड, कितने टीचर है 37 प्लस 8 45, ठीक है 45 आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कैंसिल होगा 5 times 9, 5 times 15, 3 times 3, 5, 3 by 5 आ गया
फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी। अगला देखिए क्या, ऑफ एनी एज लाइंग बिटवीन 30 to 39 ईयर्स इंक्लूडिंग बोथ, मतलब 30 to 39 ईयर्स के बीच के कितने टीचर स्टेयर में लाइक करते हैं, मतलब कि 30 ईयर्स को भी लेना है और 39 ईयर्स को भी लेना है, यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग बोथ, मतलब दोनों होना चाहिए। देखिए 30 to 39 ईयर्स यहाँ दिया हुआ है, इसके बीच 27 टीचर लाइक करते हैं, तो इसके बीच 27 टीचर लाइक करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा आ गया 27 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो दिया है 75, तो निकाल देंगे सेकेंड का, निकाल देंगे सेकेंड का प्रोबेबिलिटी 27/75। देखिए थर्ड, 18 ईयर्स और मोर एंड 49 ईयर्स और लेस, मतलब कि 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 49 ईयर्स होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए, मतलब लेना है 18 to 49, मतलब इसमें क्या लेना है, इसमें मेरा लेना है 18 to 49 नहीं लेना है। तो देखिए 18 to 49 के बीच में कितने टीचर लाइक कर रहे हैं, तो देखिए इस इंटरवल में भी लाइक कर रहे हैं, इस इंटरवल में भी लाइक कर रहे हैं, इस इंटरवल में भी लाइक कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखिए ऐड करके देखते हैं क्या आता है, 3 + 27 + 37 तो क्या आएगा, देखिए 67, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गया 67। देखिए थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 67 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीचर दिया गया है 75। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 18 ईयर्स और मोर ओल्ड, मतलब कि जिसका 18 ईयर्स हो या फिर 18 से ज्यादा हो, ठीक है, ये फिक्स नहीं कि कहाँ तक है, इस टेबल में 59 ईयर्स तक ही है, तो 59 ईयर्स से लेंगे 18 से लेके 59 तक, तो टोटल तो आपका आता है जोड़ेंगे तो 75 ही ना, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी इसका हो जाएगा 75 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी हो जाएगा 75, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 75/75, इसका आ गया कैंसिल 1, तो 1 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एवव 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि ऐसे टीचर जिनका एज 60 साल से ज्यादा हो, तो 60 साल से ज्यादा तो इस टेबल में कहीं नहीं दिख रहा है ही, जब नहीं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0, जब नहीं है तो हो जाएगा 0, आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ड्रॉइंग आर द एजेस इन ईयर्स ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में 360 पेशेंट मतलब 360 रोगी गए दिखाने या फिर हॉस्पिटल में थे, तो उसका टेबल दिया है कि कितने एज के रोगी कितने थे वहाँ पे अवेलेबल उस हॉस्पिटल में अवेलेबल, तो देखिए 10 to 20 ईयर्स के पेशेंट 90 थे, 20 to 30 ईयर्स के पेशेंट 50 थे, 30 to 40 ईयर्स के पेशेंट 60 थे, 40 to 50 ईयर्स के पेशेंट 80 थे, 50 to 60 ईयर्स के पेशेंट 50 थे, 60 to 70 ईयर्स के पेशेंट 30 थे, तो वन ऑफ द पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इज, क्वेश्चन दिया गया उसको फाइंड करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 ईयर्स और मोर, मतलब 30 साल या उससे ज़्यादा, बट लेस देन 40 ईयर्स, मतलब कि 30 ईयर्स रहना चाहिए और उससे ज़्यादा भी रहना चाहिए, बट लेस देन 40, मतलब कि 30 और 40 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितना है, तो 360, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम यही ना होगा 360, है समझ में ना, 30 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40, मतलब 30 से 40 के बीच, देखिए 30 से 40 के बीच आपका 60 पेशेंट लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गया मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी दिया है, कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स 1/6 हो गया प्रोबेबिलिटी। देखिए सेकेंड का, 50 ईयर्स और मोर, मतलब कि 50 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए बट लेस देन 70 ईयर्स, मतलब कि 50 और 70 के बीच होना चाहिए, तो 50 और 70 के बीच यहाँ इस टेबल से लेके, मतलब इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक है ना, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50 + 30 कितना आ गया 80, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका आ गया 80, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 360। देखिए कैंसिल करते हैं
4 times 2, 4 times 9, 2 by 9 आ गया क्वेश्चन सेकंड का प्रोबेबिलिटी। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, 10 years or more but less than 40 years, 10 years or more मतलब कि 10 साल उससे ज्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 40 मतलब कि 10 से 40 साल के बीच होना चाहिए, बिटवीन द एज ऑफ 10 टू 40 ईयर्स होना चाहिए। देखिए कितने 10 टू 40 ईयर्स, यही ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइक कर रहे हैं ना इतने, तो कितने हैं, तो 90 plus 50 plus 60 तो जोड़िएगा तो आएगा 200, मतलब इसके बीच लाइक कर रहे हैं 200 patients, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिया हो तो इसका भी निकाल लेते हैं, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कैंसिल, 2 times 10, 2 times 18, 2 times 5, 2 times 9, 5 by 9 आ गया थर्ड क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी। 10 years or more, 10 साल और उससे ज्यादा जितना होगा उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। स्टार्टिंग है 10 years, बट कहाँ अंत है ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो मानते हैं कि अंत जहां तक टेबल में होगा वहीं तक अंत होगा, तो टोटल को जोड़ देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जब टोटल को ऐड किए तो इतना ही आएगा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी उतना ही आया जितना नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स था, तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 1 आया 1 हो गया आपका प्रोबेबिलिटी फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, लेस देन 10 years, क्वेश्चन के अनुसार तो 10 years की लेस नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जो मैं पढ़ाया हूँ टोटल को खुद भी एक बार बारीकी से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। थैंक्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।